गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज अ न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं आज कार की सर्विस, सेकंड सर्विस करवाने रेनॉल्ट की, अपनी काइगर की। सो आज थोड़ा जो पहली सर्विस हमने करवाई थी, थोड़ा कुछ खास नहीं था उसके अंदर। आज वाले में थोड़ा ऑयल चेंज वगैरह और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो सब होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी जो है 8700 किलोमीटर चल चुकी है। वैसे वो 10K के बाद ही कहते थे अप्रोक्सीमेट करवाने के लिए, बट अभी क्या है कि हम जा रहे हैं आउट ऑफ मुंबई कुछ टाइम के लिए, तो लॉन्ग ड्राइव चलेगी। इससे पहले सोच रहा हूँ कि मैं सर्विस करवा ही लेते हैं ना, क्योंकि भाई लंबी चलेगी, ऊपर से कुछ ऑयलिंग का दिक्कत नहीं रहेगा, सेफ रहेंगे। सो मैं वैसे ड्राइव कर रहा हूँ साथ साथ, सॉरी इसके लिए। तो अभी मैं ये फ़ोन दे रहा हूँ शम्मी को ही, आज मेरे शम्मी जा रही है, टाइम पास करेगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कस्पर लाउंज होता है, 3-4 घंटे बैठने होते हैं एटलीस्ट। तो फिर पहुँच गए हैं सर्विस स्टेशन रेनॉल्ट के। ये कुछ मैंडेटरी गार्ड्स के अपने काम होते हैं कि आपको गेट पास, एंट्री पास मिलेगा, और आपसी में हमें गेट पास देना पड़ेगा तभी हम वापस गाड़ी निकाले देंगे। ये नहीं छोड़ देंगे, नहीं छोड़ दे गाड़ी, गाड़ी इसके पीछे आओ अंदर, इसके पीछे टाइगर के पीछे। बोलो नंबर लगा हुआ है हमारा ऑलरेडी, वो तो खैर हो जाएगा। मेरी पहली गाड़ी है क्या? नहीं सोचा था नंबर लगा हुआ है ऐसे, तो क्या मैं गाड़ी के पीछे आप छोड़ दीजिए, चाबी अंदर छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, सर ये टोकन ना सर, आप ही से जाना, अगर रोड में सामान अपना ले लीजिए भाई। ठीक है सर, थैंक यू। मेरे यहाँ टोकन नहीं है। यहाँ पर बस भाई सब हो गया, इसमें कार से निकल गया, चला रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। रन फास्ट, इतना वर्कआउट करवाया इस लड़के ने, देखो कैसे मैं सूज गई हूँ सुबह सुबह। तो ये हम निकले हैं अपना टेस्ट ड्राइव के लिए। फर्स्ट टेस्ट ड्राइव जो होती है सर्विस सेंटर में घुसने के बाद, जब वो जॉब शीट बनाते हैं, चेक करते हैं सब कुछ, लाइक स्पीड, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, और पिकअप कैसा है। वैल्यूएबल सामान से निकालने पड़ते हैं, खासकर जब वॉशिंग के लिए गाड़ी जाती है तो। सर्विसिंग नहीं हो रही, वॉश होगा, सर्विस तो होनी है, सर्विस के लिए बनाए हैं भाई, सेकंड सर्विस आज इसकी। चलो आज इसमें ऑयल फिल्टर्स, इंजन ऑयल, ब्रेक के जो चीज़ें होती है सब चेंज होगी। ऑफकोर्स वो थोड़ा काफ़ी चल चुके गाड़ी 8700 चली है, लेकिन इसका 10K तक होता है, 10,000 के आसपास ही पहली सर्विस होती है, बट हम पहले करा रहे हैं क्योंकि हमें निकलना है बाहर, पता है मैंने आपको। तो ठीक है, टेस्ट कर लिया, पिकअप सही है, ब्रेक वगैरह सही है, एसी सही है, नॉर्मल जो सर्विसिंग होनी है वो होनी ही है। ये इसकी किट है जो ये पहनाते हैं स्टीयरिंग पे, सीट कवर्स पे और गियर पे, क्योंकि मैकेनिक जो है बैठते हैं उनके कपड़े थोड़े गंदे होते हैं, काले पीले होते हैं, तो उसके चक्कर में सीट्स या फिर स्टीयरिंग गंदा ना हो जाए तो ये पहले से ही इसको कवर कर देते हैं।
फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं खुद से, क्योंकि इनके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपका डेंट है, कहाँ पे नहीं है, या पे जहाँ पे नहीं होगा और उनसे लग जाएगा तो फिर हम ये ना बोल सके कि हमारे से हुआ या उनसे हुआ है। विदाउट जी एस टी मेरा अमाउंट है 290, टोटल मेरा बनेगा 464550 जो कि है विद जी एस टी। मैंने टायर, क्योंकि इसी पे गाड़ी टिकी होती है, उससे पहले टायर चेक करते हैं, अलाइनमेंट करना है सबसे मेन है आज उसका काम, जो अलाइनमेंट होगा, बैलेंसिंग चेक होती है टायर की बैलेंस सही है कि नहीं है, तो चारों टायर आज बाहर निकाले जाएंगे। चारों टायर खोल दिए, मेन क्या आज व्हील बैलेंसिंग चेक करना है, अगर कुछ बैलेंसिंग गलत हुआ तो व्हील बैलेंसिंग करना ज़रूरी है वरना टायर डब दबाता है। चारों टायर्स के ब्रेक शूज, उसका अपना कुछ कार्बन जमा हो, वो सफाई पूरी आज होनी ही है और हो रही है। गाइस पता है ये बंदा मुझे लेके आया ताकि ये बोर ना हो और मुझे ही बोर कर रहा है, जब देखो जाके बाहर वीडियो बना रहा है और जब कॉल कर रही हूँ तब आ रहा है, देखो कितनी शांति से शरीफ इंसान बैठा हुआ है मुझे बोर करके, फायदा क्या मुझे लाने का, यहाँ बहुत अच्छा नेट चल रहा है ना, ना मैं यूट्यूब पे कुछ देख पा रही हूँ कुछ नहीं, नाम के लिए वाईफाई जोन लगा हुआ है बट वाईफाई बिल्कुल नहीं चल रहा है, देखो टीवी पे कुछ अच्छा नहीं देख दे रहा, मुझे मूवीज वगैरह का शौक नहीं है। अरे सर जी जब दिल करता उठ के बाहर चले जाते हैं, मतलब गाड़ी के सर्विसिंग के वीडियोस बनाते हैं। दिस इज अ कस्टमर फैमिली लाउंज एंड यस, अगर पानी कॉफी चाय अगर आपको पीनी है तो यहाँ पे जब मर्जी बोलोगे आपको मिल जाएगी। चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं और टीवी दिया गया है, आपको बोर नहीं होने देगा, न्यूज़ पेपर रखा गया है आप पढ़ सकते हैं, और अभी जस्ट इनकी एक पूरी मीटिंग थी सब स्टाफ मेंबर्स, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो, तो मीटिंग भी हुई है वापस, वो सारे काम पे लग गए हैं अपने, मैं जाता हूँ कुछ देखता हूँ क्या नया कर रहे हैं वो भी। वाइपर थोड़ा टेढ़ा हो रखा था, पता नहीं क्यों थोड़ा टकरा था, तो उन्होंने प्रॉपर वाइपर सही किया है, थोड़ा ऑयल चेंज हो गया, थोड़ा वाइपर का दिक्कत था वो भी ठीक कर दिया है, और बाकी सब अलाइनमेंट वगैरह की नींद नहीं पड़ी आई थी इसके अंदर।
वो ऐसे सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, साथ में भागा साथिया। आजकल मैं बहुत फैन हो गई, पुराना ओल्ड है ना, बहुत अच्छा था। मुझे अकेला छोड़ के जहाँ घर हो चुके हो, देख सकते हो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर आपस में बातें करते हैं। जब हम अकेले कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा, मेरा साथ में गाना साथ है भी नहीं चल रहा, रूम में बैठा देख रहे हो मूवी स्टार्ट हो गई। फाइनली सब सर्विस हो चुकी है, बाकी है वॉशिंग, तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब इसमें वैक्यूम क्लीनर हुआ है, वैक्यूम से क्लीन हो रहा है पूरा अंदर का इंटीरियर, मतलब गाड़ी का पूरा साफ हो रहा है। ये देखिए दिखाता हूँ, पूरी मिट्टी धूल जो भी जमा होता है सब साफ हो जाता है इससे। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी पॉलिश तक हो चुकी है, वॉशिंग के बाद पॉलिशिंग सब हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बार ट्राई की जाएगी वापस, ट्रायल के बाद हम घर ले जाएंगे इसको और खड़ी कर देंगे। बस बस हो गया। सो फाइनली इसका बिलिंग का पार्ट अब है बाकी, बिलिंग करनी बाकी है और अब हम इसका गेट पास भी लेंगे यहाँ से। कार का ही है ना गाड़ी, पेमेंट डन। सही तरीके का फोन में कार्ड फोन कार्ड चाहिए नहीं मेरे को, इतना जमाना दे दिया रखे मैंने। हमारा बिल बना 3898, सब बिल आके डिस्काउंट का ऑफर है। वाओ स्टेपल हो स्टार देंगे करा।
देखो मेरे साइड से बोरा खंडरा तो खड़ी Thank you.